गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक बंधुओं शिक्षिका बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमने जो वीडियो बनाया है आप लोगों के बीच, जिस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वह वीडियो टीवी चैनल्स शैक्षणिक टीवी चैनल्स पर आधारित है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीवी चैनल की शुरुआत कब से हो रही है और इसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि 2-3 माह में 100 शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी है। ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को तेजी से विस्तार देने में जुटा है शिक्षा मंत्रालय। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2-3 माह में 100 शैक्षणिक टीवी चैनल शुरू करने की तैयारी। ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को तेजी से विस्तार देने में जुटा शिक्षा मंत्रालय। बजट में किया है 200 नए शैक्षणिक चैनल शुरू करने का ऐलान। फिलहाल वन क्लास वन चैनल प्रोग्राम के तहत चल रहे 12 चैनल। नई दिल्ली, कोरोना संकट काल में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को भले ही मजबूरी में अपनाया गया था, लेकिन अब यह बच्चों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने का एक अहम जरिया बन गया है। यही वजह है कि सरकार इस दिशा में तेजी से बढ़ने को तत्पर है। खास बात यह है कि बजट में सरकार ने 200 नए शैक्षणिक टीवी चैनलों को शुरू करने की घोषणा की है। उस पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। इसके तहत अगले 2-3 महीनों में करीब 100 टीवी चैनलों को शुरू करने की तैयारी है। इनमें कई ऐसे चैनलों को भी शुरू करने की योजना है जिनके जरिए सिर्फ जिन चैनलों को शुरू करने की योजना है उनमें करीब 100 चैनल अकेले स्कूली शिक्षा के लिए होंगे। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए करीब 50 चैनल शुरू होंगे, जबकि व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए भी कुछ समर्पित चैनलों को शुरू करने की योजना है। व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक मौजूदा समय में PM ई विद्या योजना के तहत 12 टीवी चैनल संचालित किए जा रहे हैं। इनमें पहले से 12वीं तक के लिए एक एक समर्पित चैनल है। वैसे तो इन्हें काफ़ी पहले ही शुरू होना था, लेकिन विषय वस्तु कंटेंट तैयार होने में देरी के चलते काफ़ी देरी से शुरू किया गया था। इस विषय वस्तु को दूसरी भाषाओं में अनुवाद कर तेजी से लाने की तैयारी है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए डिजिटल शिक्षा एक उपयोगी पहल है। वैसे भी मौजूदा समय में ज़्यादातर स्कूलों में गणित और विज्ञान सहित दूसरे वैकल्पिक विषयों के शिक्षक नहीं हैं और उनमें छात्रों को देश के बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस पहल का सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को मिलेगा, जो अभी बेहतर स्कूलों की पहुंच से दूर हैं। वे घर बैठे टीवी चैनलों के माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकेंगे। इंटरनेट आदि की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वर्तमान समय में हर घर में टीवी की उपलब्धता है। बच्चे टीवी देखते हैं या टीवी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं पुनः यह कहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल गुरुजी प्राइमरी एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारा वीडियो बिना किसी बाधा के निरंतर मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।